मीडियम खुला होता है, स्मॉल तंग होता है मुझे हमेशा आपका। 44.90 है इनकी प्राइस। बाजू के लिए चाहिए, वो 5,000 आपने कर दिया, ठीक है, एक पड़ा हुआ है। अच्छा ये पीच में है, ये एक कमीज के गले पे लगाना हो और बाजुओं पे फिराना हो। ये मैं दिखाई कोई लेस अगर आपके पास है तो, ग्रे के अंदर दिखाई, के अंदर दिखाई कोई अगर है तो, ब्लैक में 10 दे दें, कम नहीं करेंगे थोड़ा 10 रुपये। इस वक्त में हम लोग आ गए हैं राबी सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे वेट नहीं हो रहा ना, आपको मैं बताती हूँ, आज मैं करने जा रही हूँ रिक्रिएशन लुक, क्योंकि मुझे एथनिक के आउटफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैचिंग सेपरेट्स तो एथनिक के हैं ही बहुत फेमस। लेकिन यहाँ मुझे एक ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन इट कॉस्ट 11,000 रुपीज़ जस्ट फॉर 2 पीस। आई थॉट कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा है, लेकिन बजट में भी नहीं आ रहा, सो क्या किया जाए। आखिरी हल हमारे पास आ जाता है लोकल मार्केट सर्च। इस वक्त में हम लोग आ गए हैं राबी सेंटर में, और राबी सेंटर में मैं चेक करती हूँ कि मुझे यहाँ से लोकल फैब्रिक मिलता है या नहीं, तो चलते हैं राबी सेंटर। अभी मैं आ गई हूँ राबी सेंटर रहमानाबाद, और राबी 2 में सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे मार्केट। राबी 2 की जो ग्राउंड फ्लोर वाली शॉप्स हैं, सबसे पहले मैंने उनको एक्सप्लोर किया। यहाँ एक पोलका डॉट के नाम से शॉप है, मैं जैसे ही इस शॉप पे गई तो मुझे यहाँ पर ये फैब्रिक नज़र आ गया जो मैंने एथनिक पर देखा था। ये फैब्रिक मुझे काफ़ी ज़्यादा एथनिक से मिलता जुलता लग रहा था, तो मैं यहीं पर रुक गई। और मैंने इस फैब्रिक का जब रेट लिया तो ये मुझे पता तो 5,000 तकरीबन रहे थे, क्योंकि राबी सेंटर की जो फ्रंट की शॉप्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन बार्गेन करा कर इन्होंने मुझे ये 3,500 रुपीज़ में दिए। ठीक है, ये मैंने फुल सूट लिया है, सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट, क्योंकि ओवरऑल प्रिंट चल रहे हैं। अब मैंने इसको घर लाकर श्रिंक कर दिया था, ज़रा भी इस फैब्रिक ने कलर नहीं छोड़ा। सो मैं आपको आगे ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसा स्टिच करवाया है। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक। इस ड्रेस का जो कलर है ना वो बेज और स्किन की तरफ है, और जो मैंने एथनिक पर देखा था उसका जो कलर है वो ऑफ वाइट और बेज की तरफ था। ठीक है, लेकिन प्रिंट मुझे बिल्कुल वैसा मिला है, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मुझे अपने बजट में रहकर ये ड्रेस मिल गया। लाइक एथनिक पर 11,000 का था, और मैंने जब इसे ख़ुद स्टिच करवाया लोकल मार्केट से लेके, तो ये मुझे 4,300 रुपीज़ में पड़े। लाइक 5,000 से भी कम का हमें ये ड्रेस पड़ गया, और इसके अंदर इतने सारे मल्टी कलर्स के फ्लावर्स हैं, तो आप इसके साथ कोई भी दुपट्टा लेंगे तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। ठीक है, और इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट बॉक्स ट्राउज़र बनवाया था। और इन माई नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ मैं तमाम अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ, जहाँ से मैं लेसेज और बटन लेती हूँ कमर्शियल मार्केट में। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग और स्टे कनेक्टेड। बहुत मज़े की ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो आने वाली है इन माई नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून, आई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कमर्शियल मार्केट में कहाँ से रीज़नेबल पीको करवा सकते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।